हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में अमाइन का प्रिपरेशन मेथड में कुछ आपने नेम रिएक्शन पढ़ लिया था, ठीक है बच्चों? नाउ अब हम अमाइन का अभी हम प्रिपरेशन मेथड पर पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है? गैब्रियल गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के सिलेबस के लिए बच्चों। तो एक्चुअली में गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों? आपने कल मैंने इस कंपाउंड का आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड करना बताया था बच्चों। मैंने आपको इस कंपाउंड का कल मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करना बताया था बच्चों। कौन से कंपाउंड का बताता हूँ बच्चों, मैं साइक्लिक कंपाउंड का, साइक्लिक अमाइन कंपाउंड का मैंने हॉफमैन ब्रोमामाइड आप लोगों को शायद से करना बताया था बच्चों, ठीक है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थैलेमाइड। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है बच्चों? KOH के साथ। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो यहां पर जो OH माइनस है, यहां पर जो आपका OH माइनस होगा, ध्यान से समझना, OH माइनस होगा वो इस H प्लस हाइड्रोजन, इस H प्लस को अपने पास ट्रैप कर लेगा। तो आपको क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपको शायद से कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, N माइनस K प्लस, और यहां पर आपका इस तरीके से। अब सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों? सेकेंड स्टेप में आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड या फिर आपका RI हो सकता है, या फिर हाँ RI, RCl, RBr कुछ भी हो सकता है। तो अल्काइल हैलाइड पर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक मारेगा और यहां से आपका आई बाहर निकल जाएगा। काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है? तो आपका क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो आप क्या बनेगा बच्चों, आपका यहाँ पर आपका इस तरीके से कोई कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये आपका कुछ कंपाउंड बन जाएगा NR। देखिए अब जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा ये आपका या तो 1 डिग्री होगा या तो आपका 2 डिग्री होना चाहिए, या तो ये आपका 1 डिग्री होना चाहिए या तो ये आपका 2 डिग्री। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से कंपाउंड बना लिया। नाउ यहाँ पर हम KOH की जगह KNH2 बेस भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का हम क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बेस कंपाउंड, ठीक है? नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका ये कंपाउंड होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आपका ये वाला कंपाउंड होगा NR, ठीक है? अगर मैंने इसकी रिएक्शन कौन से मीडियम में करा दिया बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया। तो अगर अब मैंने इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराई तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, OH माइनस है। अब ये OH माइनस आपका कहाँ अटैक करेगा, सिंपल समझना बच्चों, OH माइनस आपका अटैक करेगा इस पॉइंट पर, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका इस तरीके से कोई कंपाउंड बन जाएगा, ओ माइनस ओ एच, यहाँ पर एन आर, और यहाँ पर इस तरीके से कोई कंपाउंड आपका बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका पॉइंट नीचे जाएगा, ये आपका खुलेगा, ठीक है? ये आपका खुलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये जब आपका खुलेगा तो यहाँ पर आपका इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आपका ओ एच, और यहाँ पर जब भी आपका बाहर निकला होगा तो इसके ऊपर माइनस साइन। अब ये इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, जब ये आपका इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर आपका क्या बन गया बच्चों, ऊपर वाले पॉइंट पर आपका बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, और आपके नीचे वाले पॉइंट पर क्या बन गया, NHR। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, फिर से हमारा इस पर बेसिक मीडिया का OH माइनस अटैक करेगा। देखो बेसिक मीडिया का OH माइनस यहाँ अटैक किया, नाउ ये वाला बॉन्ड अब आपका यहाँ खुलेगा। अब जब ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर क्या बन गया, ओ माइनस, ठीक है? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। अब ये वाला बॉन्ड तो आपका ऊपर की ओर खुलेगा, ये वाला बॉन्ड तो आपका ऊपर की ओर खुलेगा, तो ओ माइनस ये हो गया और यहाँ पर आपका ओ एच हो गया,
और यहाँ पर NHR। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये आपका एज बाहर निकलेगा। अब जब ये आपका बाहर निकलेगा तो कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों? NHR-, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? इस तरीके से कोई कंपाउंड होगा COO-, और यहाँ पर COOH। नाउ ये वाला हाइड्रोजन अभी आपका ले लेगा, जब ये वाला हाइड्रोजन आपका अभी ले लेगा यहाँ से, तो अब आपका क्या बना बच्चों? देखो ध्यान से, यहां पर आपका क्या बना बच्चों? यहां पर आपका, और साथ में आपका यहां पर RNH2। हमको अमाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो यहां पर इस तरीके से इस रिएक्शन के थ्रू आपका अमाइन का प्रिपरेशन इस तरीके से हो जाता है बच्चों। काफी इजी रिएक्शन थी। एक बार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेसिक मीडिया में बस इतना सा अंतर है, ये आपका यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, ये आपका यहाँ पर क्या होता है बच्चों? माइनस चार्ज होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना बेसिक मीडिया में किस तरीके से रिएक्शन कराया। नाउ अब हम इसी की रिएक्शन एसिडिक मीडिया में देखते हैं बच्चों। तो एसिडिक मीडिया में हमको रिएक्शन किस तरीके से करानी है बच्चों, समझते? थोड़ा सा ध्यान से तो एक एक करके समझेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसिडिक मीडिया में आप लोगों को किस तरीके से इसकी रिएक्शन को डील करना है। तो देखते हैं बच्चों एसिडिक मीडिया में रिएक्शन किस तरीके से कराना है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं एसिडिक मीडिया में रिएक्शन। तो एसिडिक मीडिया में रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये लिया, मैंने ये मैंने ले लिया, यहां पर इस तरीके से था, यहां पर NR। अब इसी की रिएक्शन मुझे एसिडिक मीडियम में रखना है, उस स्टेप से रिएक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आपका कौन अटैक करेगा एसिडिक मीडिया में? H+। H+ आपका कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर अटैक करेगा, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों? अब आपका यहां से क्या बनेगा? यहां से आपका OH+ बन जाएगा। अब यहां पर आपका NR, और यहां पर भी आपका इस तरीके से कंपाउंड। काफी इजी रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एसिडिक मीडिया है ना, तो H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, ठीक है। H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पर ध्यान से समझना बच्चों, ये आपका OH, ये आपका यहाँ पर OHH, ये आपका प्लस चार्ज। नाउ यहाँ पर NR, और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? यहां से जो H आपका बाहर निकलेगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो H आपका बाहर निकलेगा वो इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्या बन जाएगा? यहां पर हम सिंपल बोल सकते हैं, यहां पर आपका OH, यहां पर NHR, और यहां पर प्लस साइन। यहां पर आपका कौन सा साइन? प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से समझना बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा इधर, और ये वाला आपका बाहर एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा। ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा इधर, जो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से आपका ग्रुप लीव करेगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से समझना, ये आपका क्या, यहाँ पर आपका बन गया डबल बॉन्ड OOH, और ये आपका ग्रुप लीव कर गया, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन चला गया OH+, और यहाँ पर NHR। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पर आपका H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा, रिपीट मारेगा। देखो H2O मॉलिक्यूल फिर आपका यहाँ अटैक मारेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। सिमिलर स्टेप फिर से आपका रिपीट होगा बच्चों, सिमिलर स्टेप आपका फिर से रिपीट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आपका सिमिलर स्टेप फिर से रिपीट होगा, और यहां पर OH2+ होगा, और यहां पर NHR। अब यहां से एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर आपका क्या बनेगा देखते हैं बच्चों, एक एक करके ध्यान से देखते हैं।
कि गैब्रियल थैलेमाइड में आपका यहाँ पर क्या क्या बनेगा। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि करके ध्यान से। तो यहां पर आपका क्या बनने वाला है, यहां पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। देखते हैं, यहां पर COOH और यहां पर सॉरी, यहां पर आपका बनेगा बच्चों COH, यहां पर आपका OH और यहां पर आपका NH2R+ कंपाउंड बन जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो H2O मॉलिक्यूल है वो इसको आपको ट्रैप कर लेगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा और ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों कंपाउंड, यहाँ पर आपका कंपाउंड क्या बनेगा उसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये आपका इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में आपका क्या निकला बच्चों, अमाइन। ये इस तरीके से आपका एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया में आपके दोनों OH आ जाते हैं और बेसिक मीडिया में दोनों जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस चार्ज, बस इसका ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो इसी में एक और वेरिएशन है, कभी कभी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है बच्चों, कभी कभी आपका हाइड्रोलाइसिस H2O के प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं होता है, देन हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, देन समटाइम समटाइम्स वी विल समटाइम्स वी हैव टू रिएक्ट विद हाइड्रेजीन। हमको कभी कभी आपको किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ता है बच्चों, वी हैव टू रिएक्ट विद हाइड्रेजन, कभी कभी आपको इसको हाइड्रेजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। देखो कैसे कराना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर आपका इस टाइप का मैंने कंपाउंड बना लिया था, NaNR, देखो हाइड्रोजन के साथ, देखो यहां पर अगर मैंने हाइड्रोजन लिया होता NH2NH2, अब देखो हाइड्रोजन में ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका वहां अटैक करेगा तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से डील करोगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, तो यहां पर O-, यहां पर NH2+NH, ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा NRCO। अब देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका नीचे जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, जैसे ही आपका ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से, काफी इजी रिएक्शन है, CO आपका यहां पर NH2+ यहां पर NH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड O, NR यहां पर माइनस, अब ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। नाउ अब आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, नाउ अब आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर NH और यहां पर NH2 विद लोन पेयर, नाउ यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर NR NHR, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका NHR, यहां पर आ जाएगा आपको NHR। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये अब यहाँ अटैक करेगा, ये आपका बाहर खुलेगा, नाउ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर O, यहाँ पर NH, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर NH, इसको NH कर देता हूँ। नाउ ये इसने अब आपका कहाँ अटैक किया, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड, ये वाला कार्बन के साथ बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, O- और इस पर के कुछ किसने, इस वाले नाइट्रोजन ने अटैक किया, तो यहाँ पर NH2+ इस तरीके से आपका हो जाएगा और इस कार्बन पे NHR हो जाएगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ये आपका लेगा, अब देखो ये वाला बॉन्ड अगर आपका यहाँ खुलेगा तो ये एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा, अब जब ये एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा तो ये वाला नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट करता हुआ निकलेगा। तो देखते ध्यान से समझेंगे बच्चों,
तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर NH, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर NH2+, ये आपका ऐसा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में और साथ में आपका क्या निकला होगा बच्चों, NHR- एज ए लिविंग ग्रुप। अब ये इस हाइड्रोजन को लेके निकलेगा तो यहाँ पर आपका कंपाउंड कैसा बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका CO NH NH CO, ये इस तरीके का बन जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा, अमाइन ग्रुप। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड आपका फॉर्म होता है बच्चों। इन सब में किस तरीके से आपको कंपाउंड फॉर्म करना है ये मैंने आपको बता दिया है, काफी इजी है बच्चों। गैब्रियल थैलेमाइड का आपको तीनों टाइप के रिएक्शन आपको ध्यान होने चाहिए बच्चों। एसिडिक मीडिया में आपका क्या बनेगा, OH OH, बेसिक मीडिया में आपका O- O-, और आपका हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। मैंने आपको तीनों मीडिया में बच्चों आपको बताया कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम समझते हैं बच्चों इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दे देख लेते हैं बच्चों। तो एग्जांपल कैसा होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। देखो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल 1, ये आपका CO NH और यहाँ पर CO। अब इसकी रिएक्शन मैंने KNH2 के साथ करवा दिया, ठीक है, साथ में मैंने CH3 CH CH3 मैंने यहाँ पर Br ले लिया। और आपका नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने यहाँ पर OH- H2O लिया, तो यहाँ पर ये जो आपका OH- H2O है बच्चों, किसको बता रहा है, ये आपका बता रहा है बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस। क्या बता रहा है बच्चों, ये हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडिया, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। अब देखो सबसे पहले आपका क्या हुआ बच्चों, उसको हम समझ लेते हैं। KNH2 के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका यहाँ पर KNH2 के प्रेजेंस में यहाँ पर आपका N और यहाँ पर K+, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बन जाए इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका Br। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा और ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर NCH CH3 CH3, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट स्टेप में, इससे नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता था, OH- के साथ जब मैं रिएक्शन कराता था बच्चों बेसिक मीडिया में, ध्यान करो बच्चों मैंने अभी अभी बताया था, बेसिक मीडिया में आपका रिएक्शन होता था तो यहाँ पर क्या हो जाता था बच्चों, यहाँ पर आपका CO O- और यहाँ पर आपका CO O-। अब ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो जितने बॉन्ड खोलोगे उतने NH2 आ जाएगा, सिंपल उतने H2 आ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH CH3 और यहाँ पर आपका NH2, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, सिमिलर मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसी पे बेसिस मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको ये वाला एक बार मैकेनिज्म को 2 से 3 बार रिवाइज करना है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको मैकेनिज्म के साथ डील करना है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों NH, यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, KNH2 के साथ कराना है बच्चों। फर्स्ट सेकेंड PH CH2 Br के साथ कराना है, थर्ड आपका किसके साथ कराना है, यहाँ पर NH2 NH2 हाइड्रोजन के साथ इस रिएक्शन को डील करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस रिएक्शन को देखो आप। तो हम यहां पर रिएक्शन को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले के एन एच टू के साथ अगर मैं इस रिएक्शन को डील करूंगा, सबसे पहले के एन एच टू के साथ
अगर मैं इस रिएक्शन को डील करूंगा तो कैसे बनेगा बच्चों? सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर आपका रिएक्शन इस तरीके से होगा, सी ओ यहाँ पर एन माइनस और यहाँ पर के प्लस, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। नाउ अब सेकेंड स्टेप में ये इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एसएन रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका बन जाएगा इस तरीके से कोई कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, अब आपको आ जाएगा बच्चों, काफी इजी है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों? हाइड्रेजिन के साथ। तो हाइड्रेजिन के साथ मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है, तो जैसे ही मैं अगर इसकी रिएक्शन NH2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका इस टाइप का कोई कंपाउंड बन जाएगा, NH इस टाइप का कोई कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, PHCH2NH2। यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों? अमाइन। तो ये अमाइन का प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, गैब्रियल थैलेमाइड, और काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पर कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड को समझते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन बाय अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड देखो, एमिनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा? सेवंथ नंबर का है, उससे पहले गैब्रियल आपका सिक्स नंबर का था बच्चों। ठीक है, तो देखो एमिनो एसिड क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर एक आर ग्रुप, एक आपका CH2 और यहाँ पर एक आपका NH2। ठीक है, और यहाँ पर COOH, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिड। अब अल्फा एमिनो एसिड का अगर मैं डिकार्बोक्सिलेशन कराऊंगा NaNaOH और CaO के प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका अमाइन बन जाएगा। एक तो आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एर्थ रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद क्लोरा अमाइन के साथ, अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरा अमाइन के साथ करूंगा तो आपका क्या बनेगा? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्लोरामाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? ClNH2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने अगर RMGX की रिएक्शन अगर मैंने ClNH2 के साथ करा दिया, तो ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH2 और साथ में आपका क्या बन जाएगा, MgxCl। ये काफी इजी रिएक्शन था, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने अमाइन का प्रिपरेशन किया। नाउ अब हम दे देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, अब देखो अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे बच्चों, अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से आपको अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी समझनी है। सबसे पहले रिएक्शन विद NaNH2, फर्स्ट रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl। अब देखो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कैसे होता है बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैं 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंस क्रिएट कर सकूं तो मैं इससे भी क्रिएट कर लेता हूं, जहां से हमको पता पड़ जाएगा 1 डिग्री अमाइन होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, मैंने अल्कोहल में पढ़ाया था बच्चों। तो देखो किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कराए बच्चों, NaNO2 और HCl के साथ,
NaNO2 और HCl के साथ। तो यहाँ पर Rn2+Cl- देन फर्दर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ROH ऑप्टेन होता है बच्चों आप लोगों का। क्या ऑप्टेन होता है? ROH। तो इसका मैकेनिज्म आपका किस तरीके से होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म वैसे मैंने आपको बता रखा है बच्चों, या RnH2, देखो ये इसके पास लोन पेयर होगा। अब यहाँ पर NaNO2 और HCl से क्या क्या बना होगा बच्चों हमारे पास? HONO, ठीक है, ऐसा कुछ बना होगा। तो यहाँ पर HONO बना होगा, ध्यान से समझना, HONO बना होगा। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों आपका? HONO इसके साथ रिएक्शन करेगा H+ के साथ, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से आपका क्या बाहर निकाल देगा बच्चों? H2O और NO+, ठीक है बच्चों, नाइट्रोसीलियम आयन। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? नाइट्रोसीलियम आयन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर NO+ है बच्चों आपके पास, ठीक है, NO+ है, ठीक है। आप देखो ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से, RnHH, इसके पास प्लस साइन, इसके पास एन डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन गया जो कि आपका काफी इजी है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका इसी का मैकेनिज्म बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RnHn डबल बॉन्ड हो। अब इसके वाले नेक्स्ट स्टेप में ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका टूट के इसके पास जाएगा, ठीक है, काफी इजी है। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? देखो ये वाला बॉन्ड आपका उस वहां गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है, OH आ गया, देखो ये, हाँ ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला बॉन्ड और ये आपका यहाँ जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड आपका टूटा तो ये यहाँ गया, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर O-, ये हाइड्रोजन आपका इसके पास चला गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? H+ के साथ, तो H+ आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा बच्चों? OH2+। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RN+, RN2+ बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पर यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो होता है अल्काइल डाइएजोनियम, डाइएजोनियम नॉट सो स्टेबल, नॉट सो स्टेबल, स्टेबल ही नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होता है तो ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? कार्बोकेटायन में। और N2, N2 क्या होता है बच्चों? N2 आपका गुड लिविंग एबिलिटी, ऑफ गुड लिविंग एबिलिटी रखता है बच्चों। अगर ये N2 अगर आपका गुड लिविंग एबिलिटी होगा तो सामने वाले को फटाफट किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? कार्बोकेटायन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोकेटायन में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहां पर क्या होगा उसको समझते हैं ध्यान से एक दो बार में, आपको आई होप कि इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन आपका तीन टाइप के रिएक्शन को शो कर सकता है। देखो यहां पर अगर ये बच्चे बच्चों यहां पर ध्यान से समझना, अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेगा तो यहां पर आपका एल्कीन प्रोडक्ट बना देगा। अब देखो यहां पर एक H2O भी न्यूक्लियोफाइल होगा, अब H2O न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या बनाएगा? ROH बनाएगा। और इसके अंदर भी बच्चों यहां पर जब H+ अटैक किया तो यहां पर Cl- बचा था तो Cl- न्यूक्लियोफाइल होगा तो RCl। तो यहां पर तीनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है? तीन प्रोडक्ट। तो देखते हैं अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, एक बार हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पर CH3, CH2, CH2, NH2 की रिएक्शन, एग्जाम्पल NaNO2 और HCl के साथ कराया, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? इतना सब कुछ रामायण लिखने की बजाय मैं सीधा लिख दूं बच्चों, यहां पर एल्काइल डाई एजोनियम कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल डाई एजोनियम कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा अच्छी होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका मूव कर जाएगा ऊपर और यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। अब देखो यहां पर आपका क्या बना है बच्चों? कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बना है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होना तय है, रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी, रीअरेंजमेंट के ना कर, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पर कितने डिग्री है बच्चों? अभी 1 डिग्री है,
ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, CH3, CH+ और यहाँ पर CH3, तो ये आपका कितने डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, अब यहाँ से जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों, यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन को शो करेगा, दो टाइप के रिएक्शन को शो कर सकता है। देखो अगर इसने एलिमिनेशन को शो किया होगा तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ से एच निकलेगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इसने यहाँ पर Cl- के साथ रिएक्शन किया होता तो क्या बनता बच्चों, CH3 CHCl CH3, और अगर इसने H2O के साथ रिएक्शन किया होता तो क्या बनता बच्चों, CH3 CHOH CS3, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाता बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ पर तीनों टाइप के रिएक्शन होंगे, तीनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन सबसे मेजरली आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर अल्कोहल मेनली आपका कौन सा बनेगा बच्चों, अल्कोहल बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो अगर इसकी रिएक्शन, अब आपका टेस्ट क्या बोलता है, यहाँ पर टेस्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर टेस्ट क्या बोलता है, 1 डिग्री एमाइन मैंने आपको लिखाया था, तो यहीं पर भी लिख सकते हो बच्चों आप, यहाँ पर मैं टेस्ट में लिखा देता हूँ, इस टेस्ट में विद 1 डिग्री एमाइन देख लेते हैं कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर विद 1 डिग्री एमाइन कलरलेस गैस N2 इवॉल्व, ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा, N2 गैस आपका इवॉल्व आपका हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं बच्चों रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन में क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन। अब सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन आप लोग अच्छे से समझ सकते हो बच्चों, काफी इजी है, RNHR, इसके पास लोन पेयर, ये आर डैश कर देता हूँ। नाउ अब क्या होगा बच्चों, अब देखो मैं पूरा NaNO2 लिख रहा हूँ बच्चों, अब आपको पता है कि NaNO2 HCl, NaNO2 और HCl आपका सोर्स ऑफ NO+, अभी अभी मैंने बताया था ये आपका इलेक्ट्रोफाइल निकलता है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, NO+ निकल जाएगा। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर R R डैश NH डबल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, वो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अब आप बताइए यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है, तो ये आपका इस तरीके से बॉन्ड आपका खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल क्या बन जाएगा बच्चों, केवल और केवल अब आपका ऐसा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है जो आपको रियरेंज होकर इसके पास पर पहुंचेगा, तो इसका कार्य क्या नाम होगा बच्चों, एन नाइट्रोसो अमाइन, एन नाइट्रोसो अमाइन, जो कि आपके क्या होगा, येलो येलो ऑयल होगा, जो कि आपका क्या होगा बच्चों, येलो ऑयल, ठीक है, ये इस टाइप का होगा रिएक्शन, आपके सॉल्यूशन को वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है, और ऑयल के टाइप में बेटा। अब हम समझते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन विद टर्शरी अमाइन, रिएक्शन विद टर्शरी अमाइन, अगर मैं टर्शरी अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आर आर और यहाँ पर आर डबल डैश एन के साथ रिएक्शन कराएगा, तो यहाँ पर एनओ आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी एनओ आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा अगर एनओ NO2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ नहीं होगा रिएक्शन में आपका इसी तरीके से यहाँ पर N+ सिंगल बॉन्ड NO, इस तरीके से आपका क्वाटरनरी यहाँ पर अमोनियम टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, और इसके बाद आपका कोई रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बच्चों ये आपका क्या है, एक तरीके का टेस्ट भी है फॉर 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस पर बेसिस एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैंने एक और एग्जाम्पल देखा बच्चों यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल मैंने इस टाइप का लिया बच्चों, ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर NH2, अब ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इसकी रिएक्शन मैंने अगर NaNO2 के साथ और HCl के प्रेजेंस में कराया,
तो जो आप लोग जानते हो कि बच्चों आपका एल्काइल, यहाँ पर आपका N2Cl, मतलब ये आपका ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अब ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो फटाफट ये आपका बाहर निकलेगा, और ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर यहाँ पर आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि ये आपका किसके बाहर है, ये आपका रिंग के बाहर है, तो एडजेसेंट रिंग के बाहर है, तो यहाँ पर रिंग का होगा बच्चों। यहाँ पर आपका किस टाइप का, यहाँ पर आपका 1 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 1 2 3 4 5, रिंग एक्सपांड होगा, रिंग एक्सपांड होगा तो कितने कार्बन का हो जाएगा बच्चों, 5 कार्बन का। और कहीं पर भी आपका कार्बन कटेन आप रिंग के हिसाब से बना लो। अब देखो यहाँ पर आपके कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से आपके प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है बच्चों। एक तो आपको यहाँ से भी बन सकता है प्रोडक्ट, एक तो आपके यहाँ से भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक आपको यहाँ से भी बन सकता है बच्चों प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपका कौन कौन सा बनेगा देख लेते हैं। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर देखो Cl- और H2O होगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक तो आपका इस टाइप का Cl- के प्रेजेंस में आपका इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, या फिर OH जुड़ के आपका इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा, या फिर आपका OH जुड़ के इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन इसके प्रेजेंस में आपका क्या क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जब आपका एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका एक ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा, एक आपका H2O के साथ जुड़ के कौन सा प्रोडक्ट बना लेगा बच्चों, एक आपका ये वाला भी प्रोडक्ट बना सकता है OH, और साथ में आपका यहाँ पर Cl-, तो मैक्सिमम अमाउंट में आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। कल के मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था यही रिएक्शन तो मेजरली आपको किसको प्रिपेयर करने के काम आता है बच्चों, ये 1 डिग्री अमाइन से अल्कोहल को प्रिपेयर करने के काम आता है। किसको, 1 डिग्री अमाइन से आपके अल्कोहल को प्रिपेयर करने के काफी ज्यादा काम आता है। तो ये रिएक्शन आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये रिएक्शन मैंने अल्कोहल के चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो अमाइन आपका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है। तो देखो अमोनिया का तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, अमोनिया का रिएक्शन भी पढ़ लिया था, और 1 डिग्री अमाइन का भी पढ़ लिया था, लेकिन आपने 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन मैंने वहां जानबूझ के नहीं पढ़ाया था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन आपका किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यहां पर रिएक्शन किस तरीके से होगा, काफी इजी है। देखो ये मैंने आपको रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन तो मैंने आपको पहले बता रखा है बच्चों कि N2N और H, यहाँ पर आपका H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, ये रिएक्शन तो आपको ये आता है बच्चों, ठीक है, ये रिएक्शन तो आपको आता है, ठीक है, काफी इजी है। इसको हम क्या बोलेंगे, इमाइन, ठीक है, इमाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर बच्चों इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर अगर मैंने 1 डिग्री अमाइन ले लिया, क्या 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन के प्रेजेंस में भी आप बोल सकते हो रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों, रिएक्शन आपका इस तरीके से मैंने आपको बताया था, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, एन सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। नाउ अगर मैंने अब यहां पर रिएक्शन लिया, देखो ध्यान से, अगर मैंने अब यहां पर NHRR- ले लिया तो अब हम यहां से H2 मॉलिक्यूल निकाल ही नहीं सकते, तो इस केस में आपका रिएक्शन बदल जाएगा। इस केस में बच्चों आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस केस में आपका रिएक्शन किस तरीके से होगा वही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ टेक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, तो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझना, OH बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NHR, और यहाँ पर आपका R-, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, और इसके ऊपर आपका कौन सा साइन आ गया बच्चों, प्लस साइन।
सबसे पहले आपका कौन सा साइन आ गया बच्चों, यहां पर आपका प्लस साइन। अब क्या होगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कि देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका एच प्लस अटैक करेगा। देखो ये वाला प्लस एच प्लस यहां चला जाएगा तो यहां पर किस तरीके से अटैक करेगा, ओ एच टू प्लस हो जाएगा, और यहां पर एन आर आर डबल डैश आर डैश, ठीक है। अब ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये एज अ लिविंग ग्रुप अगर आपका बाहर निकलेगा, ध्यान से समझना बच्चों। देखो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, फिर से एक और बार मैं बताता हूँ, इसने न्यूक्लियो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से, अगर मैं बाहर से एच प्लस ले आऊंगा तो यहाँ पर ओ एच टू प्लस, ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और यहां से अगर मैंने ले लिया तो यहां पर ओ एच टू प्लस आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ। यहां पर एक काम करो बच्चों, सी एच थ्री और सी एच थ्री कर लो, ताकि आपको और समझ में आ जाए, ठीक है, और समझ में आ जाए आगे का कि किस तरीके से स्टेप आपको डील करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको देखो, बच्चों इसमें थ्री डिग्री अमाइन के केस में बच्चों इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, टू डिग्री अमाइन के केस में। तो क्या आएगा देखते हैं बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। टू डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर आपके एक हाइड्रोजन है बच्चों, और हर जगह मैंने कितने हाइड्रोजन वाला रिएक्शन बताया बच्चों, दो दो हाइड्रोजन वाला। तो अब ये इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ये जो आपका है ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, ठीक है। काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पर सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ माइनस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एन, यहाँ पर मैंने आर आर डैश, और इसकी रिएक्शन एच के साथ करा दिया, यहाँ पर कौन सा साइन, प्लस साइन। नाउ सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, ये एच प्लस यहाँ चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, सी एच थ्री सी सी एच थ्री। बच्चों ध्यान से समझ लेना इस रिएक्शन को, ये अक्सर पूछा जाने वाला रिएक्शन है, आर आर डैश ये आपका बन जाएगा। नाउ अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका एच प्लस अटैक करेगा ओ एच माइनस के सेंटर पे, जब आपका एच प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ पर ओ एच टू प्लस बन जाएगा। नाउ यहाँ पर आपका एन आर आर डैश बन जाएगा। नाउ फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आपका क्या होगा, जब ये आपका बाहर निकलेगा, ये आपका बाहर कब निकलेगा, जब ये अपना लोन पेयर यहाँ अटैक कराएगा तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन आर आर डैश, और यहाँ पर आपका बाहर निकल गया। अब क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर प्लस साइन है, ठीक है। अब यहां से कोई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ध्यान से समझना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एन आर आर डैश, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनामाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनामाइन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, टू डिग्री अमाइन के प्रेजेंस में, टू डिग्री अमाइन के प्रेजेंस में अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं टू डिग्री अमाइन के प्रेजेंस में बात करूं तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों, कि आपको कोई दिक्कत ना आए, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब इसकी रिएक्शन आप लोग कराओ बच्चों, इसकी रिएक्शन अगर आप लोगों को करानी है तो किस तरीके से आप कराओगे देखो बच्चों, एन एच आर आर डैश के साथ। तो सबसे पहले ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका ओ माइनस, यहाँ पर आपका एन एच प्लस आर आर डैश। नाउ ये एच आपका यहाँ अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर
एच एन आर आर डैश। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच प्लस अटैक करेगा एसिडिक मीडिया, तो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ओ एच टू प्लस और यहाँ पर एन आर आर डैश। अब जब ये आपका बाहर निकलेगा तो इसका लोन पेयर आपका यहाँ अटैक करेगा, तो इसका लोन पेयर जैसे ही आपका यहाँ अटैक करेगा बच्चों, सिमिलर स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से, उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। तो आपका एन आर आर डैश और इसके ऊपर प्लस साइन। अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा, बाहर एलिमिनेट होगा, तो ये वाला बोल्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बोल्ड आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका इनामाइन, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इनामाइन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील करेंगे, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं इमीन और इनामाइन का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, ध्यान से समझना, इफ देखो इमाइन जैसे आर एंड डबल बॉन्ड आर सी एच डबल बॉन्ड एन एन आर, अगर मैं इसका रिएक्शन या फिर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल समझने वाली बात है बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ या उसका हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पर आर, यहाँ पर देखो ये आपका क्या बना लेगा, आर एन एच टू अमाइन ग्रुप बना लेगा, अमाइन कंपाउंड बना लेगा, और अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पर क्या बना लेगा, आर आर डैश यहाँ पर एन एच, वापस से आपका देखो ये आपका 1 डिग्री अमाइन, ये आपका क्या बना लेगा बच्चों, 2 डिग्री अमाइन। तो ध्यान रखना बच्चों, इन हाइड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस एच प्लस और एच टू ओ के प्रेजेंस में अगर मैं इस रिएक्शन में इनका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो फिर से मुझे वही कंपाउंड ऑप्टेन हो जाएगा। फिर से मुझे कौन सा कंपाउंड ऑप्टेन हो जाएगा बच्चों, पुराना वाला ही कंपाउंड मुझे ऑप्टेन हो जाएगा। कि आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको हाइड्रोलाइसिस कराना इसमें होता है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को डील करना है बच्चों, ठीक है। किस तरीके से आपको इस रिएक्शन को डील करना है। नाउ अब हम इस रिएक्शन को आगे भी बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एच टू और निकल के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो ये बॉन्ड आपका हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखो एक और अमाइन मिल सकता है। तो इस तरीके से और भी रिएक्शन हम डिटेल कर सकते हैं, जहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम बच्चों कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नाउ बच्चों अब हम कुछ जो आज टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, एक एक करके ध्यान से, और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी कर लेंगे बच्चों। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, जो जो मैंने पढ़ाया वो काफी मतलब हद तक इम्पोर्टेंट है बच्चों आज के लेक्चर का, तो एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, और अमाइन कंपाउंड आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने कोई कंपाउंड बना दिया इस तरीके का, और यहाँ पर मैंने NH2। अब देखो कल मैंने तीसरा क्वेश्चन DPP में दिया था, वो आज आपसे इजीली हो जाएगा बच्चों, आज आपसे इजीली हो जाएगा, कल जो मैंने तीसरा क्वेश्चन DPP में दिया था वो आज आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू मैंने इस तरीके से बनाया NH, या आपका इस तरीके से, यहाँ पर NaNO2 और यहाँ पर HCl, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ए कोई कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन मैंने CH3I के साथ कराई है। अब देखो एक्सिस अमाउंट में लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिला है बच्चों, बी कोई कंपाउंड मिला है जो कि आपका क्या है बच्चों, Ag2O और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, Ag2O मॉइस्चर के साथ। नाउ सी, इसको हीट करने पर आपको क्या मिला बच्चों, आपको इस तरीके के कंपाउंड मिले, कौन कौन से मिले बच्चों, CH3N, ध्यान से समझना, CH3N CH3 CH3, और यहाँ पर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका H2O मिला, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। अब आपको कंपाउंड ए आइडेंटिफाई करना है, इसको आपको क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पर अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ, NH2NOH के साथ करा दिया, नाउ इसको मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है नाउ बच्चों, अब हम समझते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो कि काफी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। CH3CH2OH की रिएक्शन अगर मैंने CU के साथ कराया, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो ए प्रोडक्ट बना, और ए की रिएक्शन मुझे NH3 के साथ कराऊंगा, तो आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा, और उसकी रिएक्शन फर्दर में H2 और निकल के साथ कराऊंगा 300 डिग्री टेम्परेचर पे, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, सारे क्वेश्चन के आपके एक साथ कंप्लीट हो जाए। देखो CH3CH2OH की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ, केमेनोफोर के साथ करवाई, और केमेनोफोर के साथ रिएक्शन कराने पर ए प्रोडक्ट बना, उसका रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ कराया तो आपको बी प्रोडक्ट मिला, और उसकी रिएक्शन मैंने अगर NH3 के साथ कराया तो आपको सी प्रोडक्ट मिला, देन आफ्टर उसकी रिएक्शन मैंने अगर NaOH और Br2 के साथ कराया तो आपको डी डी प्रोडक्ट मिला, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि आपके पुराने कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाए बच्चों वापस से। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये तो आज मैंने पढ़ाया था बच्चों, ये तो आज मैंने पढ़ाया था, ये आपका क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन कैसे, अगर बच्चों अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा तो वो हमेशा 1 डिग्री अमाइन होगा, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। अब 1 डिग्री अमाइन में क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री अमाइन जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अभी अभी आज ही मैंने बताया यहाँ पर N2+ बन जाएगा, और ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, यहाँ पर ये आपका CH3 ग्रुप, ये आपका CH3 ग्रुप, ये एक CH3 ग्रुप यहाँ माइग्रेट आपका हो जाएगा बच्चों। मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, अगर ये आप अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो किस तरीके से गेन करेगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये यहाँ माइग्रेट होगा तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर भी आपका CH3। अब यहाँ पर आपका OH- के साथ रिएक्शन करके H2O के साथ आपका क्या बना लेगा बच्चों, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, और मैंने बताया था एल्कोहलिक प्रोडक्ट आपका मेजर अमाउंट में बना बनाएगा एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक करके आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते ही जाइए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को है ना, क्वेश्चन और सॉल्यूशन को रब करता जाऊंगा ताकि आपको यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाए बच्चों। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अमाइन। अब देखो 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन अगर मैंने करवाया तो यहाँ पर आपको सीधा क्या मिलता था, एन नाइट्रोसो अमाइन, सिंपल प्रोडक्ट, एन नाइट्रोसो अमाइन प्रोडक्ट मिलता था बच्चों, जो कि आपका ये होता था येलो 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 ऑयल होता था बच्चों, तो ये आपका प्रोडक्ट मिलता था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं इस हिसाब से चलूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, अगर मैंने इस रिएक्शन में यहाँ पर CH3CH2NH2 कंपाउंड लिया, और अगर मैंने उसकी रिएक्शन यहाँ पर CH3I के साथ करा दिया एक्सिस अमाउंट में, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो CH3CH2N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये आपका प्लस बनेगा। नाउ आपका AG2O और यहाँ पर मोशन, मतलब आपका क्या बन जाएगा दोनों मिलके, AgOH जो कि आपका बेसिक होगा और इसको हीट देंगे तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB पाथवे, यहाँ पर आपका कौन सा पाथवे होगा बच्चों, E1CB पाथवे होगा, और
और A1CB पाथवे में आपका क्या होता है बच्चों, जो आपका क्या होगा ध्यान से समझना, आपका जो मोर एसिडिक, देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा पर आपका माइनस चार्ज स्टेबल होगा, वो आपका बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक ही पोजिशन है बीटा, तो ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा, मैंने आपको A1CB बताया था बच्चों, उसको ध्यान से समझ लेना ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ, तो बच्चों देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर N CH3 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 ठीक है। तो इसका मतलब अब आपका क्या होना चाहिए, देखो दोनों प्रोडक्ट आपके सिमिलर हो रहे हैं, तो आपका ए क्या होना चाहिए, ए आपका होना चाहिए बच्चों इथेनामाइन, इथेनामाइन आपका ए क्या होना चाहिए बच्चों, आपका इथेनामाइन, अगर ए आपका इथेनामाइन होगा तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं बड़े प्यार से, काफी इजी इजी रिएक्शन है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं बच्चों ताकि मुझे स्पेस मिलता रहे ठीक है। फिर मैं अगला एक और क्वेश्चन लूंगा जो कि आपका काफी अच्छा होगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, देखो किस तरीके से होगा बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा इसका आइडिया। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर H2NOH, यहाँ से आपका कौन बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अब नाउ मैंने आपको बताया था इसका किसका बच्चों, ऑक्साइम का जब भी मैं रिडक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाता है, अमाइन कंपाउंड बन जाता है। तो ऑक्साइम का जब भी मैं रिडक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर NH2 आपका कंपाउंड बन जाएगा ठीक है, ये आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, CU वाला, काफी इजी क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, जब मैं इसकी रिएक्शन CU के साथ कराता हूँ, ध्यान से अल्कोहल की रिएक्शन जब मैं CU के साथ कराऊंगा तो CU क्या करता है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये आपके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। जब आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा नेक्स्ट रिएक्शन NH3 के साथ, तो यहाँ पर आपको पता है बच्चों NH3 के साथ किस टाइप से रिएक्शन होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप से होगा, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड एन एच। नाउ इसकी इसकी रिएक्शन आप मुझे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराना है निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो सिंपल आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर निकल के प्रेजेंट में आपको रिडक्शन कराना, मतलब पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर देना है, तो यहाँ पर CH यहाँ पर N H H, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अमाइन, यहाँ पर क्या बन जाएगा अमाइन, कौन सा अमाइन बन जाएगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन NH3 के प्रेजेंस में प्राइमरी अमाइन। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैंने KMnO4 के साथ कराई, तो ध्यान रखना बच्चों CU के साथ तो आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ इसकी रिएक्शन में अगर SOCl2 के साथ कराऊंगा तो OH हटके वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, Cl कंपाउंड आ जाएगा। नाउ अब ध्यान से समझना है, OH हट के आपका Cl कंपाउंड आ जाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैं NH2 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर NH3 है, अब देखो NH3 के साथ जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, तो यहाँ पर CH3C, ध्यान से समझना बच्चों इस स्टेप को, O माइनस Cl और यहाँ पर NH2 ठीक है। अब ये आपका नीचे जाएगा तो यहाँ से Cl आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा अमाइड। अब अमाइड की रिएक्शन जब भी मैंने NaOH और Br2 के साथ कराऊंगा तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कल ही मैंने बताया था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। जब ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर अमाइन कंपाउंड, कौन सा बना लेगा CH3NH2 अमाइन कंपाउंड ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने अभी कुछ क्वेश्चन किए, तो और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको जो कि आप लोगों ने किया भी होगा लेकिन इनडायरेक्टली आपसे पूछता है बच्चों वो क्वेश्चन ठीक है, उसको अब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना। CH3 CH3 OH, यहां पर मैंने लगा दिया PH CH3, यहां पर मैंने लगा दिया NH2। इसकी रिएक्शन अगर मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराया तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा? बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो आप लोगों को अपने आप पता पड़ जाएगा। देखो क्या होगा कि NaNO2 HCl के प्रेजेंस में ये आपका निकलेगा, नहीं, सबसे पहले आपका क्या बनेगा बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, पिनाकोल पिनाकोलोन में बच्चों सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन पिनाकोल पिनाकोलोन में मैंने आपको करवाया है। वो आपको अभी याद नहीं होगा, वो अलग बात है बच्चों, N2+ ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बोकेटाइन। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? कार्बोकेटाइन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है बच्चों? कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा बच्चों? यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट स्टेप में आपका रीअरेंजमेंट होता है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा मतलब ये वाला आपको यहाँ जाएगा और यहां से ये वाला लोन पेयर आपका नीचे जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? देखो यहाँ पर आपका CH3 CO2 CPH CH3 और यहाँ पर CH3, इस तरीके से आपका यहाँ पर पिनाकोलोन बन जाएगा, ठीक है। देखो डाई एजोनियम सोल्ट से भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आई होप सो कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बच्चों अगर समझ में नहीं आए तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार एक दो बार देख लेना, इस तरीके से अब मैं हर दिन आपको कुछ कुछ क्वेश्चन कराता रहूंगा ताकि आपके पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज हो और पुराने कंसेप्ट भी रिवाइज हो। तो आई होप सो कि अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।